हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें 10 कैरेक्टर तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ये एनर्जेटिक्स, यानी ये 11th पॉइंट कह सकते हैं, 11th पॉइंट ये एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब एनर्जी में जो भी चेंज होता है, या एनर्जी में जो भी मतलब बढ़ना घटना सेम रहना, जो भी चीज़ होता है एनर्जी से रिलेटेड, उसको हम लोग एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये जैसे बताए थे कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, कि एक बकेट में ये येलो कलर ले लिया गया, और बाकी फिर उस तरह से और 3 बकेट में इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर ये ले लिया क्या, 3 बकेट में इस तरह से यहाँ ले लिया गया, ऐसे रेड, एक में येलो, और फिर सबको मिला दिया, सबको एक दूसरे में मिक्स करके फिर ऐसे ही 4 बकेट में रख दिया गया। तो कलर तो सबका ऑरेंज होगा, और इसका जितना वॉल्यूम है, मान लीजिए ये 1 लीटर है, और ये अगर हम लोग लेते हैं ये 0.5 0.5 0.5 है ना, या 1.5 1.5 1.5, तो 3 पॉइंट, ये 4.5 हुआ, और ये 1, टोटल कितना 4.5। तो सबको मिलाकर एक बाल्टी में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम तो वही होगा ना, 5.5 होगा, इसका तीनों का डेढ़ डेढ़ डेढ़, 4.5 और इसका 1, तो 5.5 टोटल होगा, 5.5, और उसको फिर इक्वली सब में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो मिक्सिंग से पहले टोटल जितना वॉल्यूम था, मिक्सिंग के बाद भी तो टोटल वॉल्यूम उतना ही रहा। तो उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितना एनर्जी है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी टोटल उतना ही एनर्जी होता है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक आदमी के पास 100 रुपया है ना, या एक आदमी के पास ऐसे 60 रुपया है, और 3 आदमी के पास 100 100 रुपया है, ठीक है, और अब वो 4 आदमी को एक जगह जाना है, और वहाँ मान लीजिए कंडीशन है कि चारों के पास समान अमाउंट में रुपया होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई भी कम ज़्यादा होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। तो क्या हुआ, वो चारों पहले क्या क्या अपना सारा पैसा निकाल के एक जगह रखा, टोटल कितना हुआ 360, 90 90 बांट लिया, सबके पास 90 90 हो गया, और वो चला गया। तो टोटल पहले भी 360, बाद में भी कितना 360 ही रहा। लेकिन तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, इसमें ना तो एनर्जी का लॉस होता है ना गेन होता है, ये एनर्जी का पुनर्वितरण रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे 60 100 100 सबको मिला के एक जगह कर लिए और फिर से बांट दिए इक्वली, तो उस तरह का। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक,
इट इज जस्ट द redistribution of just the redistribution of energy, ठीक है, ये just redistribution है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं total energy before hybridization, before hybridization is equal to total energy आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद टोटल एनर्जी जितना है, हाइब्रिडाइजेशन के पहले भी टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हम क्या बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन काल्पनिक होता है, इसके पक्ष में एक भी प्रमाण मिला नहीं है, तो इसीलिए जब हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्ट वो मिला ही नहीं है, उसका एनर्जी कितना होगा कैसे बता सकते हैं, वो तो हमको पता ही नहीं है, है ना। लेकिन वो थियोरेटिकली सोचा गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सबका एनर्जी उतना ही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो कोई माप के देखा नहीं है, क्योंकि वो कैसा होता है, काल्पनिक। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जैक्ट एनर्जी को पता करना, कितना एनर्जी है ये निकालना पॉसिबल नहीं है, इस एनर्जी को हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन हम लोग बस एक एस्टीमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट amount of energy of a hybrid orbital experiment करके exact energy हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि hybrid orbital really exist नहीं करता है, hypothetical है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं it is just theoretically estimated it is just theoretically estimated as the
एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका एवरेज लिया जाता है, ठीक है, इसका एवरेज। जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए एक 2s ऑर्बिटल है, एक 2px है और एक 2py ऑर्बिटल भाग लिया, तो ये यहाँ पर बनेगा क्या, तीन तीन ऑर्बिटल हुआ ना, नंबर तो फिक्स रहता है, तो तीन क्या बनेगा यहाँ पर, ऐसे थ्री क्या हो जाएगा, 2sp2 होगा ना, sp दो ऑर्बिटल हुआ, 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसे तीन बने। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार क्या है, इन तीनों का जो एनर्जी होगा वो इन तीनों के एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने से पहले ये था, हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो ये हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर 3 × एनर्जी ऑफ 2sp2 होगा ना, ऐसा तीन है तो एक का एनर्जी इंटू थ्री बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2px प्लस एनर्जी ऑफ 2py, ये होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एनर्जी ऑफ 2sp2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2px प्लस एनर्जी ऑफ 2py बाय 3। एनर्जी ऑफ 2sp2 इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2px प्लस एनर्जी ऑफ 2py बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया ना, तीन बना था, तीन से डिवाइड कर दिए, वैसे ही अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो सबका जोड़ के कितना से डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर एनर्जेटिक्स के बारे में। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते, ये बस अनुमानित ढंग से, यानी इसका अनुमान लगाया जा सकता है इस थ्योरी पर कि हाइब्रिडाइजेशन से जितने ऑर्बिटल बनेंगे सबका एनर्जी बराबर होता है, इसलिए टोटल जितना बना सबका एनर्जी को नंबर ऑफ ऑर्बिटल से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और इसी जगह एक और पॉइंट है एनर्जेटिक से, ये जो होता है एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज ए परसेंट एस कैरेक्टर। ये बताए थे ना कि S का एनर्जी कम होता है, P का एनर्जी ज़्यादा, तो S अगर ज़्यादा भाग लेगा कम एनर्जी वाला तो एनर्जी घट जाएगा ना, और ज़्यादा एनर्जी वाला भाग लेगा ज़्यादा संख्या में होगा तो एनर्जी ज़्यादा, तो S का एनर्जी कम और P का एनर्जी ज़्यादा, तो S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा और P कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हम लोग S कैरेक्टर ही निकालते हैं डायरेक्ट, P
पी कैरेक्टर कम ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हर हाइब्रिडाइजेशन में एस भाग लेगा ही लेगा, लेकिन हर हाइब्रिडाइजेशन में पी भाग लेगा ही, ये जरूरी नहीं है। इसलिए परसेंट एस कैरेक्टर लिया जाता है। पी और डी निकाल सकते हैं, लेकिन इन जनरल कॉमनली कौन लिया जाता है? एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इनवर्स रिलेशन। तो अब हम लोग ऐसे अगर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे 2s, फिर हम लोग लिए 2p, फिर 2sp, फिर 2sp2, फिर 2sp3, इसमें क्या होगा? ये सब में हम लोग लिए, सब में n का वैल्यू सेम। n अगर डिफरेंट होता तो हम बता चुके हैं, n अगर डिफरेंट होता तो n का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, और n का वैल्यू यहाँ सेम है। अब बताइए परसेंट s कैरेक्टर कितना है? एक ही s अकेले है ना, तो 100% होगा ना। p यहाँ s है, ये 0%। sp एक एस एक पी, दो में एक एस, कितना परसेंट? 50। तीन में एक 33.3, और यहाँ चार में एक 25। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ? तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये जिसका एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे कम, तो एनर्जी 2s का सबसे कम। 2s के बाद फिर कौन? 2sp होगा ना, क्योंकि एस कैरेक्टर घटता जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी ऑफ 2sp फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ 2sp2 फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ 2sp3 और फिर एनर्जी ऑफ 2p होगा ना। 2p में एस कैरेक्टर क्या है? एस कैरेक्टर 0, इसलिए उसका एनर्जी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये हम लोग पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, ए हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म, ये कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट ए हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट पाई बॉन्ड, और इसलिए ये पाई बॉन्ड ये नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखिए पहले बताए हुए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे सीधा है ना, ऐसे बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनता है कैसे? साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ऐसे ना, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, तो ये ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? एक लोब बड़ा होता है और एक छोटा। तो अगर मान लीजिए ये छोटा को भी ओवरलैप करे तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना,
और इस तरह से दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, है ना, और काफ़ी क्लोज हो जाएंगे और ये रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर, और अगर थोड़ा दूर हो गया, अगर थोड़ा दूर है तो ये इधर ये ओवरलैप ही नहीं करेगा, केवल इधर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सिग्मा सिग्मा बनाएगा, क्योंकि सिग्मा के लिए ये ऐसे हो गया और यहाँ पर इस तरह से, और ये ऐसे दोनों का, और दोनों का न्यूक्लियस भी दूर रहा, और यहाँ देखिए ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होगा, इसकी तुलना में ज़्यादा एरिया आया कि नहीं, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब छोटा होता है एक बड़ा, तो बड़ा वाले को हेड कहते हैं, छोटा वाले को टेल कहते हैं, और हेड ही हमेशा ओवरलैपिंग में भाग लेगा, तो ये भाग लेगा तो हेड, वो यहाँ पर क्या है, ये तो छोटा पार्ट है, ये बड़ा है, तो वहाँ की तुलना में यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, इसलिए कहा जाता है ए हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड देन ए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल वीक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट, यानी कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड, देन ए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के तुलना में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाता है, कारण कि उसका एक लोब बड़ा होता है, इसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कई तरह का होता है। एक होगा जिसमें केवल एस और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, और एक होगा एस पी और डी इन्वॉल्व हो, और एक होता है जिसमें केवल एस और डी इन्वॉल्व हो। तीन तरह का होता है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ एस पी हाइब्रिडाइजेशन। एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी हाइब्रिडाइजेशन इसके नाम से ही यहाँ पर क्लियर है क्या, कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन में, कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है।
इट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस एंड वन पी और वाइटल ऑफ वैलेंस सेल ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट ठीक है. इट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस एंड वन पी और वाइटल ऑफ वैलेंस सेल एक ही एटम का. ये कैसा प्रोसेस है? इंट्रा एटॉमिक, एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, दो एटम के ऑर्बिटल मिक्स नहीं करेंगे. इंट्रा एटॉमिक हुआ, इंटर एटॉमिक नहीं, मतलब एक ही एटम के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. इसलिए एक ही एटम के वैलेंस सेल के एक एस और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इस हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है, इससे क्या होगा? टू, अब देखिए दो भाग ले रहा है, तो हमने तो हाइब्रिडाइजेशन में बता ही था कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड which are known as sp hybrid orbitals. इसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. देखिए इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल. ये सेम ऑर्बिट का होना चाहिए. तो एन एस ऑर्बिटल, अगर ये एन है तो पी ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए? एन का ही होना चाहिए. ठीक है, ये एन, इसको एन पी. कौन सा होगा? पी एक्स होगा या पी वाई होगा या पी जेड होगा. तो यहाँ रूल है तीनों में से कोई भी हो सकता है. एन पी एक्स हो सकता है या एन पी वाई हो सकता है या क्या हो सकता है, एन पी जेड हो सकता है. और ये दोनों मिक्स करेगा तो मिक्स करके क्या बनाएगा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? दो, जितना भाग लेगा उतना ही ना बनेगा. तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब होगा. बड़ा लोब को क्या कहते हैं? हेड. और छोटा लोब को टेल. और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? एन एस पी टू. एन एस पी टू, इस तरह से एन एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये दो बनेंगे. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. जैसे ये देखिए, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. और
यहाँ पे अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2, 2s2 और 2p, ये तो जीरो होगा ना, ये यही तक ना भर गया, ये 1s2, 2s2। तो यहाँ पे 1s2, 2s2 ये होगा। अब इस जगह यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ, और 2p बिल्कुल खाली। तो अभी तो एक भी अनपेयर्ड इसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन, 2p तो बिल्कुल खाली है। ना अब होगा क्या, यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट वे गया, और एक्साइटेड स्टेट वे ये होता है क्या, यहाँ पर एक 2s और 2p ये इस तरह से, पहले यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकल गया पहले, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर, निकल जाने के बाद ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ क्या करेगा, क्योंकि हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं, ऑर्बिटल भाग लेता है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को अभी छोड़ दीजिए। पहले ये देखना है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये कहाँ से डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि वो एटम कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में बेरिलियम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या किया, एस और पी आपस में मिक्सअप कर गया, और ये एक्साइटेड स्टेट और ये हुआ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ये दोनों मिक्स कर गया और यहाँ पर ऐसे बनाया, और इधर दोनों बच गया। मान लीजिए 2px भाग लिया, तो यहाँ कौन कौन बच गया, 2pz और 2py, ये बच गया ना, ये जो 2px था, ये 2pz था, ये 2py, तो यही ना भाग लिया मिक्सिंग में, ये दोनों तो बच गया। तो ये दोनों जो भाग लिया, इससे क्या बना, 2sp और 2sp बना। अब क्या होगा, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अब आकर के इन दोनों में घुस जाएगा, तो दोनों में घुसेगा तो क्या होगा, तो दोनों का एनर्जी बराबर, तो यहाँ रूल लागू होगा कौन, ये हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, समान एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेगा, तो दोनों का एनर्जी बराबर है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एक एक करके, तो एक एक करके बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, ठीक है, और ये तो खाली रह गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, यानी बेरिलियम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड बना पाएगा, पी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, लेकिन 2p ऑर्बिटल उसके पास बच गया है। ये दोनों कैसा है, अनहाइब्रिड हुआ ना, ये भाग नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में, ये कैसा ऑर्बिटल हुआ, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। तो जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो वास्तव में प्योर हुआ ना, जो अनहाइब्रिड है वो प्योर होगा। अनहाइब्रिड प्योर वाइटल्स, तो ये अनहाइब्रिड, ये दोनों
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉन रहता एक एक करके तो पाई बॉन्ड बनाता, और नहीं है तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाकर रह गया। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन में क्या होगा, मान लीजिए कोई एक हम लोग ले लिए ये कार्बन, और किसी मॉलिक्यूल में कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिर्फ दो, तो वहाँ क्या लेना पड़ेगा, दो सिग्मा बॉन्ड तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए कार्बन में यहाँ अगर लीजिएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, सिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2, तो ये जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ये 2s और ये 2p। ये 2p, तो यहाँ पर 2s, ये 2px और ये 2py, या इसको 2pz और 2py ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं, तो यहाँ ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये चला जाएगा किस में, या हम लोग सीधा हाइब्रिडाइज स्टेट भी मान सकते हैं, है ना। तो सीधा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कार्बन जो है, तो इस जगह यहाँ पर पहले तो एक्साइटेड लिखे हैं, तो यहाँ ले लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, एक यहाँ था ही, अब यहाँ से निकल के उधर चला गया। अब क्या होगा, कार्बन देख रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में दो ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो दो सिग्मा बनाएगा तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये दोनों मिक्स किया और इसका 2s और यहाँ 2px, ये दोनों मिक्स किया, तो ये मिक्स करने के लिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और इधर 2pz 2py, ये यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा ये जो हम लोग लिखेंगे ये 2sp 2sp, और ये 2pz और 2py। तो आप बताइए ये तो प्योर ऑर्बिटल हुआ और ये हाइब्रिड, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। यानी कि अगर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो क्या करेगा, दो सिग्मा बनाएगा और दो पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी कि अपने किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp कब होगा, जब वो दो सिग्मा बनाएगा और दो पाई बॉन्ड बनाएगा, तब वो sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे CO2 यहाँ क्या है, कितना सिग्मा है, ये दोनों में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो कितना सिग्मा बनाया, कार्बन दो सिग्मा और दो पाई, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये अब इसको एनर्जेटिक्स हम लोग लेंगे, इसी को हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ऐसे इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं एनर्जेटिक्स। यहाँ पर नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, कार्बन का ही हम दर्शाते हैं
तो ये कार्बन का क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 2s ऑर्बिटल, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, दो है ना। फिर हम लोग क्या लिए, 2p है ना, 2px, 2pz और 2py। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा स्टेट था, ऐसा कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट ना, ग्राउंड स्टेट में ऐसा है। अब हम लोग इसके बाद लेते हैं ये एक्साइटेड स्टेट, इसी में एरो, इसी में हम लोग एक अब लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट, सेम इसी जगह पर। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड में 2s से क्या हो जाएगा, 2s से एक यहाँ पर निकला इलेक्ट्रॉन और कहाँ चला गया, यहाँ पर ऐसे ये चला गया। लेकिन अब ये तो एक्साइटेड स्टेट है, उसके बाद क्या हुआ, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होगा, हम ये अलग अलग समझा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले ये स्टेट हुआ इसके बाद ऐसा होगा तब हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि हमने ये पहले ही लिखा दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या था, 2s मिक्स कर गया p से, इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज़्यादा, और ये दोनों मिक्स करेगा तो मिक्स के बाद दोनों का एनर्जी बराबर हो जाएगा ना, तो इसका थोड़ा बढ़ेगा उसका थोड़ा सा घटेगा, तो ये तो ऑर्बिटल धीरे धीरे गायब हो गया और ये वाला भी गायब हो गया, और ये दोनों तो रह गया ना, ये दोनों रह गया 2pz और 2py, ये वही रह गया, और ये दोनों बीच में आ गया, बीच में कौन कौन, ये 2sp और 2sp, ये बीच में इन दो, ये दोनों ऑर्बिटल आ गए, और यही दोनों क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी कम और एनर्जी रिलीज करेगा उसका एनर्जी और कम होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबिलिटी भी देता है मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जेटिक्स हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों का एनर्जी, अगर एनर्जी वाइज लें, इन दोनों का एनर्जी किसके बराबर होगा, इन दोनों के एनर्जी का सम, इसमें कौन कौन भाग लिया, ये दोनों ना, तो इन दोनों के एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर ये एनर्जी ऑफ 2sp प्लस एनर्जी ऑफ 2sp, इन दोनों का एनर्जी को जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2px। टू इंटू एनर्जी ऑफ 2sp इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2px।
ये दोनों का एनर्जी इस तरह से, इन दोनों में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी अगर निकालना होगा तो जो दोनों भाग लिया उन दोनों के एनर्जी को 2 से डिवाइड करके एक ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा, परसेंट एस कैरेक्टर हम क्या बताए थे, एस कैरेक्टर में 1/ क्या होता है, आई प्लस 1 × 100, यही ना होता है। आई क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, तो यहाँ एस पी यही ना होता है, एस पी आई, तो आई के जगह यहाँ क्या है, 1 है ना, पी कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ एस कैरेक्टर कितना होगा, 1/1 + 1 × 100%, कितना हो जाएगा, 50%, परसेंट एस कैरेक्टर 50%। अगर यहाँ परसेंट पी एक्स कैरेक्टर पूछा जाए क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लिया है, पी एक्स या पी वाई या पी जेड, अगर पी एक्स भाग लिया होगा तो 50% और 0 नहीं होगा, अगर पी एक्स भाग लिया तो 50% हो गया, अगर पी वाई भाग लिया तो पी एक्स भाग ही नहीं लिया तो क्या होगा, परसेंटेज 0। इसी तरह अगर परसेंट पी वाई कैरेक्टर क्या होगा, ये 0 और कितना 50, ये भी तो वही हो सकता है ना, और ये परसेंट पी जेड कैरेक्टर ये भी वही हो सकता है, 0% और 50, लेकिन टोटल पी कैरेक्टर कितना, टोटल परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर ये कितना होगा, ये 50 ही होगा, ऐसा नहीं कि तीनों का जोड़ दिए, क्योंकि एक का 50 होगा तो बाकी दो का 0 ही होगा ना, क्योंकि इसीलिए हम एक का 50 पहले लिखे हैं तो बाकी में 0 पहले लिखे हैं, कि ये भाग लिया तो इन दोनों का 0, और फिर ये भाग लिया तो इन दोनों का 0, ये भाग लिया तो इन दोनों का 0, इसलिए टोटल मिलाकर फिर क्या होगा, 50 ही होगा। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ठीक है, तो इसमें होता है क्या, जैसे एक sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना इस टाइप का, ये ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, दोनों का शेप एक जैसा होगा, दोनों का साइज भी क्या होगा, एक जैसा होगा, हाथ से ऐसे बना रहे तो ये 100% सेम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये मान के चलना है दोनों से, दोनों का शेप सेम, साइज सेम, एनर्जी सेम, ठीक है। और जो छोटा लोब है वहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी कम होगा, और मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बिल्कुल ऐसा होगा, एक बैलून होता है ना, थोड़ा लंबा टाइप का बैलून, ऐसे इस टाइप का बैलून होता है, थोड़ा बैलून का तो आजकल बहुत अलग अलग शेप होता है, गोल भी होता है, एक ट्यूब वाला होता है, नहीं ये थोड़ा सा लंबा, कोई हार्ट शेप्ड भी होता है ना, तो ये जो इस तरह से लंबा वाला बैलून को पूरा हम लोग पहले भर दिए हवा से, लेकिन एकदम टाइट नहीं, थोड़ा लूज रखे, थोड़ा लूज रखने के बाद क्या किए, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर दिए, तो ट्विस्ट कर देंगे तो कैसा होगा, ये एक लोब छोटा हो जाएगा है ना, और एक क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ये जो होगा ये बिल्कुल ये आपको शेप मिल जाएगा किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, बिल्कुल वैसा ही शेप का होता है। अब बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो गैस, वो जो बैलून में गैस भरा हुआ है, यहाँ ज़्यादा गैस होगा कि इधर ज़्यादा होगा, बड़ा वाला में, यानी कि वो जो गैस का मॉलिक्यूल होगा उसको डॉट मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेव के अनुसार, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी इधर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी
कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा, लार्जर लोब में, इसमें ज़्यादा और या छोटा वाला में कम होगा। अब ये दोनों को हम लोग एक एटम में अरेंज करेंगे, ये दोनों किस हिसाब से अरेंज रहेगा, ये दोनों को अगर अरेंज करेंगे तो ये एक ये किस हिसाब से अरेंज रहेगा, ठीक है, किस हिसाब से अरेंज होगा, तो ये दोनों किस हिसाब से अरेंज होगा, तो ये इस तरह से रहे कि दोनों का जो बड़ा वाला लोब है एक दूसरे से दूरी पर रहे, दूरी पर रहे ताकि रिपल्सन कम होगा। तो ये कैसे अरेंज हो जाएगा, ये आप बताइए, इस जगह कैसे अरेंज होना चाहिए कि दोनों लोब, बड़ा वाला लोब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो ऐसे ही ना होगा, एक ऐसे और एक इधर हो जाएगा, होगा, ये मैक्सिमम चला गया, ठीक है, ऐसे ही ना होगा, एसपी इस तरह से होगा, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे और इसके पास कितने पी ऑर्बिटल होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, दो, तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल को आप अलग ऐसे लिख सकते हैं। एक हो जाएगा कैसे, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, वो तो थोड़ा दोनों का ये लोब थोड़ा छोटा होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ये पी ऑर्बिटल एक ये, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होगा इसके ऐसे, ठीक है, ऐसे इस टाइप से ऐसे रहेगा, तो उसको यहाँ दिखाएंगे तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे, लेकिन होगा कैसे, एक ऊपर और एक इस तरह से, इसको एक नीचे और इस तरह से लोग यहाँ पर ये ऊपर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर हो गया, वो नीचे इस टाइप से दिखेगा, ये दोनों क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, और ये दोनों क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, तो इसका अरेंजमेंट इस टाइप से, यही है, इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, दोनों का छोटा लोब यहीं अंदर रह जाएगा, और एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल ये सीधा ऐसे होगा, और एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये होगा, ठीक है, ऐसे, ये इधर तो दूसरा ऐसे हो गया। अब ऐसा ही एक दूसरा एटम भी आएगा, तो दूसरा एटम अगर आएगा उसमें क्या होगा, इस तरह से एक दूसरा एटम, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, तो ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, ऐसे दोनों जुड़ गया, बॉन्ड बना दिया। अब ये वाला ऐसा है तो एक यहाँ भी होगा, ये जाकर के इससे क्या हुआ, ऐसे बॉन्ड बनाया, तो ये एक ऊपर वाला लोब दोनों का जुड़ता है तो एक नीचे वाला भी तो जाके जुटेगा, और ये हो गया कौन वाला, रेड वाला, रेड दिखा रहे हैं, और ये जो है ऐसे, ये ब्लू वाला, ये इसके साथ इधर गया और ये इधर पाई बॉन्ड बनाया, तो देखिए पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड का प्लेन, ये पाई बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर सीधा यही दिखाया जाता है कि ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको जब अरेंज करते हैं तो एक दूसरे से कितना डिग्री पर जाकर अरेंज होता है, एक दूसरे से कितना पर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना पर, 181 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 पर, और उससे जो परपेंडिकुलर में कौन होगा, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, वो जाके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड दूसरा, मान लीजिए ये एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरा एसपी हाइब्रिडाइज्ड एटम है,
एक ये है और एक ये है, ये दूसरा, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अब मान लीजिए वो दोनों जा कर के जुट रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पर भी इस जगह क्या होना चाहिए, एक यहाँ पर पी और वाइटल ऐसे होगा और एक पी और वाइटल कैसे होगा, एक पी और वाइटल इस तरह से और एक पी और वाइटल ऐसे होगा। अब ये दोनों जब ओवरलैप करेगा तो ये इसके साथ, ये इसके साथ आएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। और ये रेड वाला रेड के साथ ओवरलैप करेगा, रेड वाला रेड के साथ ये कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड। और ये ब्लू वाला क्या करेगा, ये ब्लू के साथ, ये ब्लू वाला किधर, इस ब्लू के साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई। ये दोनों ऐसा नहीं कि ये अलग अलग दो पाई बॉन्ड है, दोनों मिलकर एक है, तो यहाँ दो पाई बॉन्ड बना, ठीक है। इस तरह से ये जाकर रेड का रेड के साथ, ब्लू का ब्लू के साथ, क्योंकि सेम प्लेन में होगा तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे अगर जुटेगा एक लाइन में, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये जो जुटा बताइए कैसा हो गया, ये तीनों एक एक लाइन में नहीं आ गया, तो कौन सा ज्योमेट्री दिया, लीनियर। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा शेप मिलता है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री, ये लीनियर शेप देगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने एक दूसरे से 180 डिग्री पर अरेंज होता है ताकि दोनों के लार्जर लोब के बीच रिपल्सन ज़्यादा हो और इस तरह से वो आपस में जुटकर एक लीनियर ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर हो वहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सोचेंगे, एसपी सोचेंगे, है ना। तो एसपी किसी का लीनियर ज्योमेट्री को एसपी हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एसपी टू और एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।